आजमगढ़ के विधानसभा सगड़ी के भाजपा प्रत्याशी वंदना सिंह का चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को जियनपुर में हुआ। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वंदना सिंह ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व में हमें यह मौका दिया है। आज सगड़ी विधानसभा में मेरे आवास पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हमारे जिला अध्यक्ष जी और इस विधानसभा के प्रभारी और हमारे बड़े भाई माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हमारे जितने भी विधानसभा से आए हुए हैं उनका सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज इतनी संख्या ये दर्शाती है कि हम लोग सगड़ी में कमल अवश्य खिलाएंगे। नेता वरिष्ठ है, यहाँ एक खुशी की बात है, सब लोग एकत्रित होकर के आज इस केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं और सब हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो हुजूम दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, इससे पूरा हम लोग विश्वास में है इस बार इस सगड़ी विधानसभा में कमल का फूल जरूर खिलेगा। सर, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके सर पे है, क्या उम्मीद की जा सकती है? सभी विधानसभाओं में इस बार कमल का फूल खिल रहा है, जनता नीचे एकदम अंडर करंट है, आम गरीब जनता बोल रही है गाँव गाँव में हम लोग जा रहे हैं इस बार मोदी और योगी जी को ही वोट देंगे, बाकी किसी को वोट देने वाले नहीं है। इस बार एक इतिहास आजमगढ़ का बदलेगा और सभी विधानसभाओं में कमल का फूल खिलकर इस बार लखनऊ जाएगा। लेकिन सर, वहीं जो कि अखिलेश यादव जो कि 400 सीटों की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की क्या बात कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं। आजमगढ़ लड़ने के लिए आए थे, कहे आजमगढ़ से पूछ के लड़ने के, कार्यकर्ताओं ने इनको इनकार कर दिया, हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको यहाँ लड़ जाए, फिर वो कैसे बात करेंगे जीतेंगे। अभी तो कह रहे हैं कि रोना दो रहे हैं कि ये ईवीएम हैक हो गई, ये कार्यकर्ता बूथ नहीं दिख रहे हैं, दो बूथ खाली चला गया। अभी उपचुनाव जो हुआ है हमारा 10 फरवरी को, उसमें हम 58 सीट जीत रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं, अखिलेश यादव क्या करेंगे। इसी प्रकार से जब भागते हैं तो बोलते हैं कहीं ईवीएम हैक हो गई, कभी ये हो गया, कहीं ये हो गया, यही उनका हर साल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है, उसी के साथ साथ आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं में कमल का फूल।